आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल डायरी में। आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। नाचन वन मंडल के अधीन 56 वनबीटों में 35 वनबीटें अति संवेदनशील है, जहां आग के तांडव से लाखों रुपयों की वन संपदा नष्ट हो जाती है। इस साल वन विभाग की ओर से नाचन में 35 फायर स्टेशन बनाए गए हैं, जो कि मंडल के कंट्रोल रूम में प्रतिदिन अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए रेंज ऑफिसर, ब्लॉक अधिकारी व वन रक्षक के अलावा फायर वॉचर भी सक्रिय रूप से वनों में पैनी नजर रखेंगे। इसके साथ ही वन मंडल की 32 वन समितियां भी वनों को बचाने के लिए काम करेंगी। वन मंडल में 638 स्क्वायर किलोमीटर का जंगलाती भाग है, जिसमें 372 स्क्वायर भाग में देवदार के जंगल हैं और 128 स्क्वायर भाग में चील के जंगल हैं। आगजनी की घटनाएं इसी भाग में ही अक्सर होती हैं। वन मंडलाधिकारी TR धीमान ने बताया कि वन क्षेत्र में नए पौधों को आग से बचाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जंगल के समीप बसे गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विभाग के कर्मचारी उनके फोन नंबर लेकर उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। वन संपदा को बचाने के लिए ग्राम सभाओं में जाकर पंचायत स्तर पर टीमें गठित की जा रही हैं। महिला मंडलों, युवक मंडलों व समाज सेवी संस्थाओं व सरकारी विभागों को भी सहयोग करने की अपील की गई है। वन विभाग को देहरादून के फायर स्टेशन से सैटेलाइट के जरिए फायर अलर्ट सुविधा प्रदान की गई है, जिसे वनों के किस भाग में आग लगी है उसकी जानकारी मिल जाएगी। फायर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 35 बीट्स जो है वो फायर सिस्टम है, तो इसके लिए हम लोगों ने डिवीजन लेवल पे कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ है, जहाँ डेली रिपोर्टिंग होती है। डेली की डेली जो है रेंज से हमारे पास रिपोर्ट आती है, वो जो है हायर ऑफिस को भेजी जाती है। और इसके अलावा हमारे पास 32 यहाँ पे JFMCs हैं, जिसमें से अभी 10 ऑपरेशनल है, तो उनको भी हमने इन्वॉल्व किया है। और जो बाकी जो नॉन फंक्शनल है उसको भी हम कॉन्टैक्ट में है, तो उनके जो है मैंने, और जो फ्रिंज विलेजेज है जंगल के साथ के जो घर हैं उनके हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, लोगों से फ़ोन नंबर ले रखे हैं उनको, वो हमारे इन्फॉर्मर का काम करते हैं। उनका काम है कि वो हमें तुरंत सिर्फ हमें ये बता दें कि जंगल में अमुक जगह आग लगी है, ताकि हमारी टीम जो है समय पर वहाँ पहुँच सके। तो इसके अलावा हमारे पास जो है 638 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जिसमें से हमारा जो वन का जो एरिया है वो 372 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसमें से हमारे पास जो 128 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो सेंसिटिव है, जो जिसमें चील का मैक्सिमम चील का एरिया है, तो उसमें जो आग लगने का ज़्यादा वो संभावना रहती है। तो हमने जो है उस पर्टिकुलर हमारा फोकस उसके ऊपर है, और खासकर न्यू प्लांटेशन के ऊपर हमारा फोकस है कि जो हमारी नई पौध है वो बिल्कुल जलनी नहीं चाहिए। जिला हमीरपुर के अनु के स्थानीय लोगों और दुकानदारों का धूल मिट्टी वायु प्रदूषण के उड़ने के कारण जीना दूभर हो गया है। स्थानीय दुकानदारों और लोगों का कहना है कि रोड का काम 6 महीने से चला है और अभी तक पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि विभाग के पास बार बार चक्कर लगाने के बावजूद भी इस काम को पूरा नहीं किया गया है और उनका व्यापार इस कारण ठप होता जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 4 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए, और अभी तक कोई भी DC साहब के पास भी 3 दिन पहले जाकर आए थे हम लोग, तो उन्होंने बोला कि अपना 3 दिन के अंदर अंदर रोड की कार्रवाई स्टार्ट, काम स्टार्ट हो जाएगा, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तो जाम करने वाले हैं हम, तो अभी सोच रहे हैं कि चक्का जाम करेंगे। साहब को TVO सामने हमारा ऑफिस है। आपका ऑफिस कहाँ पर है? ये सामने ऑफिस है हमारा। ये आपने देखे, आप देख सकते हैं ऑफिस के ऊपर किस तरीके से पॉलिथीन लगाई गई है ताकि मिट्टी जो है वो अंदर ना आ सके। और यहाँ के तमाम जो दुकानें, मैंने यहाँ पे दुकानदारों से बात की, और जो यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स खड़े होते हैं बस का इंतजार में, बहुत ही बुरी हालत होती है। आप देख सकते हैं जैसे ये इतने हैवी लोडेड ट्रक निकल रहे हैं यहाँ से। अब आप देख सकते हैं कि किस लेवल की मिट्टी यहाँ पे उड़ रही है। ये तो अभी का हाल है, ये तो अभी मेरे ख्याल से पानी डाला गया है यहाँ पर, इसलिए मिट्टी थोड़ी सी नीचे है। अभी आप देख सकते हैं
और ये किस तरीके से कितनी मिट्टी ये डाल ही रही है। अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, इसमें पानी डालना चाहिए, नहीं पानी कोई डाला, लोकल आदमी डालते हैं, वो धूप से उड़ जाता है। अच्छा ये बताइए ना कि चार महीने से क्यों, ऐसा क्या वजह है कि इतना सा ही रोड, सिर्फ ये मेरे को लगता है 300 मीटर का रोड है, ये ही पक्का नहीं कर पाए, क्या वजह लगती है? पता नहीं गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है कि क्या दिक्कत है। अच्छा लेकिन ये देखिए उसी टाइम ये पक्का हो जाना चाहिए था जिस टाइम ये पूरा कंस्ट्रक्शन हुई। जी आप बहुत ही ज्यादा परेशान है, परेशान से भी ऊपर हो गया है, परेशान से भी ऊपर चले गए हम लोग। आपका तो ऑफिस इधर है, किस तरीके की हेल्थ को इश्यूज क्या होती है? मेरा गला काफी दिनों से खराब चल रहा है इसी वजह से, डस्ट की वजह से। मैं तो बोला अब टीबी भी हो जाएगी, कुछ दिन और चलता रहा तो टीबी भी हो जाएगा, पर हम अब वही करना पड़ेगा खुद को। आपने कितनी बार प्रशासन को इस प्रॉब्लम के बारे में बताया? बहुत बार पाइप एच में बताया, कुछ पाइपों का ये काम था बोलते हैं, इसकी वजह से डिले चल रहा है। हाँ जी। फिर डीसी साहब के पास भी, डीसी साहब ने कहा कि मैं खुद परेशान हूँ, मैंने तो आप परेशान है तो आप आम जनता का क्या हाल है। बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके की व्यवस्था है हमारे सिस्टम की, कि इतना कहने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा। और ये वो रोड है जहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पे, 600 मीटर की दूरी पे NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देश का एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है, और उसी से 600 मीटर इधर का ये हाल है, और सारा दिन यहाँ धूल उड़ती रहती है। स्थानीय दुकानदारों की माने तो गाड़ियों के साथ धूल मिट्टी उड़कर उनकी दुकानों में घुस रही है, जिससे उनका सारा सामान खराब हो रहा है। इतना ही नहीं, दुकानदारों का कहना है कि बड़ी गाड़ियों के यहाँ से गुजरने से कई बार पत्थर भी उछलकर दुकानों के शीशों को तोड़ चुके हैं, और किसी न किसी दिन किसी इंसान को भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं एक्वेरियम का शॉप है इनका, इस बिल्कुल चौराहे के साथ में। ये जो सड़क की हालत है कितने दिनों से इस तरीके की है? इसको तो 5-6 महीने हो गए इसी तरह से रुके हुए, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। आप देखिए ये दुकान के शीशे टूट गए हैं, साथ वाली दुकान का शीशा टूट गया है, और शीशा टूट गया है। ये कैसे? जो गाड़ियाँ जाती हैं ये पत्थर वही बाउंस होते हैं, बाउंस करके जो है वो यहाँ पे बसते हैं, और उसकी वजह से शीशे टूट गए हैं। ये देखिए बहुत बड़ी समस्या है, तो मुझे अभी मालूम चली, क्योंकि बेटा है वो भी शॉप पे आता है कई बार, तो उसकी टांग में भी एक बार पत्थर बजा, 15 मिनट तक तो उसको होश नहीं आया इतने जोर से पत्थर बजा। आप समझ सकते हैं कि जब गाड़ी के टायर से पत्थर आता है तो उसकी जो बाउंसिंग फोर्स होती है कितनी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा बाउंसिंग फोर्स होती है। खुदा ना खास्ता किसी दिन कोई हादसा हो गया तो ये जवाब सरकार को देना पड़ सकता है, प्रशासन को देना पड़ सकता है कि इसका जिम्मेवार कौन होगा इस हादसे का। यहाँ पत्थर आप देख सकते हैं किस लेवल से, यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई AK-47 का बुलेट यहाँ लगा हो, इतना इस तरीके से क्रैक हुआ है। अगर यही पत्थर उछल के किसी के सिर पे लगा होता तो क्या हालत होती, आप इसका अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं, क्योंकि आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियाँ जा रही हैं और उनके टायर्स के नीचे आकर जो पत्थर है वो एक गुलेल का काम कर लेता है, जो टायर होता है उसमें इतनी फोर्स होती है। तो ये देखिए ये जो गाड़ी निकली अभी, तो आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से जा रही है, कोई पत्थर अगर उछल के इस वक्त हमें भी लगे तो बहुत एक डेंजर होगा ये हेल्थ के लिए भी। तो ये प्रशासन को सोचना चाहिए। और ये आप मिट्टी का अंदाज लगा, ये आपने कितनी देर पहले साफ किया? ये कोई 15 मिनट पहले ही साफ किया। देखिए 15 मिनट पहले साफ किया, और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा निशान किस लेवल का, यहाँ पर ये मिट्टी जो है जमी हुई है, ये मैंने क्रॉस का निशान लगाया, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ का हालात है। और ये मेरी उंगली के ऊपर भी इतना पाउडर जो है, फाइन डस्ट, दिस इज फाइन डस्ट, और ये आपके लंग्स में जाके आपको बीमार भी, बहुत ज़्यादा बीमार कर सकती है। और ये सारी दुकान जो है टोटल फिटिंग के साथ कवर्ड है, एल्युमिनियम की फिटिंग लगी है, अंदर हवा आने का कोई भी चांस नहीं। फिर भी आप देखिए इन शीशों के ऊपर कितनी सारी डस्ट अंदर आ चुकी है, आप देख सकते हैं कि ये मैं लाइट ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए डस्ट जो है ये जबकि एल्युमिनियम फिटिंग है फिर भी ये, और ये बहुत ही फाइन डस्ट है, बहुत ही फाइन डस्ट, और हम तो बीमार हो गए हैं इससे काफी समय से। फैमिली के 5 मेंबर हैं, 5 के 5 एलर्जी के मरीज हो गए हैं इसकी वजह से। हमारा जो सांस की तकलीफ हो रही है, खांसी बहुत हो रही है, और नाक में इरिटेशन होती है ढेर सारी। और बाकी बिजनेस का तो आप देख ही सकते हैं, दुकान का चारों साइड धूल से भरी पड़ी है। अगर यही हाल रहा तो हमारे को तो रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। आपने प्रशासन से कभी बताने की कोशिश की? प्रशासन के पास भी हम 1-2 DC साहब से मिल के आए हैं, अभी 3 दिन पहले भी हम उनसे मिल के आए थे, रिक्वेस्ट की थी कि जल्दी से जल्दी सड़क का काम करवाएं, तो उनकी तरफ से भी आश्वासन मिला था कि बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। पर आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से अभी सिर्फ पानी की पाइपें आ रही हैं, वो भी अगर IPH वालों को कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने सड़क नहीं उखाड़नी है, हमने सड़क के साइड से पाइप ले जानी है। तो हमारी वजह से कोई भी ये नहीं है कि काम रुक रहा है सड़क का, ये तो नेशनल हाईवे वालों को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी इस रोड का काम करें। देखिए तो आप देख सकते हैं ये हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी तो ये होती है कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये बस बाउंसिंग, वो जो जैसे टेनिस का गेम होता है वैसा खेलते रहते हैं, एक गेंद उसको मारेगा वो गेंद वहाँ से वहाँ फेंकेगा, तो कोई भी डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं होता। इतने हैवी ट्रक्स हैं, और कोई अगर यहाँ से वही, और ये देखिए
एक और शीशा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये शीशा भी टूटा है। ये अंदर जाके पूछेंगे कि क्या इस शीशे के साथ क्या घटना घटी। तो ये देखिए, अभी हम जो हमने आपको एक्वेरियम की शॉप बताई उसके जस्ट साइड में ये बेकरी की शॉप है। यहाँ पे कितना इफेक्ट किया आपका बिजनेस पिछले 4-5 महीने से? सर 4-5 महीने से टोटल लॉस पे ही है काम ना, इसमें ढंग से काम हो सकता है? क्योंकि आए थे मिट्टी आ रही, तो खाने के काम में तो मिट्टी का काम नहीं चलेगा बिल्कुल। और ये मैं देख सकता हूँ, ये एक पैकेट दिखाइए ज़रा। ये देखिए यहाँ पे ये नमकीन के पैकेट्स रखे हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। और ये इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये मैंने साफ किया, और ये आप देख सकते हैं कितना टेक्सचर में कितना फ़र्क है। ये पूरी धूल है, देखिए ये मेरी उंगली पे देखिए कितनी धूल आ गई है। अच्छा ये बताइए, ये शीशा, ये जो आपका शीशे के ऊपर इतना बड़ा क्रैक पड़ा हुआ है, ये बस और पत्थर से पड़ा हुआ है, रोड से जो पत्थर है वो टकराए हुए हैं। तो अगर टकराते रहते हैं, तो किसी को भी लग सकता है, इंसान को भी लग सकता है। आए जाए यहाँ पे कॉलेज है, किसी को भी लग, स्टूडेंट है, कितनी बार तो हादसा हुआ है। तो ये अगर किसी बच्चे को लग जाए, किसी इंसान के सिर में लग जाए तो आप तो मर ही जाएगा। ये तो इतनी स्पीड से गिरा है, 8 mm का शीशा है। 8 mm का शीशा किस तरीके से टूट गया, आप अंदाजा कर लगा सकते हैं कितनी फोर्स से ये बजा होगा यहाँ पर। आपको क्या समस्या हो रही है और कितने टाइम से ये समस्या है यहाँ पर? ये समस्या सर कोई 6 months से आई थिंक हो गई है इसको, और इसकी वजह से काफ़ी दुकानदार को प्रॉब्लम्स होती है। काफ़ी सारे शॉप पर मार्केट वगैरह सारी डाउन चली हुई है इसकी वजह से। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है यहाँ पे एवरेस्ट के नाम से, एवरेस्ट इंस्टीट्यूट। हाँ जी, तो मेरे यानी कि 4 PC धूल की वजह से अभी तक ख़राब हो चुके हैं। तो यानी कि मेरा समथिंग 55-60,000 का नुकसान हो चुका है। यहाँ पे भी आप देखोगे शॉपकीपर्स की दुकान टूटी पड़ी है। हाँ, ये हमने दिखाया पहले ना कि ये किस तरीके से यहाँ पे बाउंस होते हैं पत्थर, और ये तो किसी की जान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक और शीशा जो यहाँ काउंटर का टूटा हुआ है, और ये भी इसी जो बाउंस होता है पत्थर, इसी का परिणाम है। भाई आप भी शॉप चलाते ना, आप भी 2 मिनट यहाँ पे आएंगे। और ये देखिए शीशा, देखिए आप शीशे के हाल देखिए, ये मतलब ये सिर्फ आज का ही ये लग रहा है मेरे को, क्योंकि डेली सफाई होती है। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ पर। और हम सबसे शिक्षित ज़िले में हैं हिमाचल के इस वक्त, जिसे कहा जाता है साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। और वहाँ पर NIT के पास, कॉलेज के पास, डिग्री कॉलेज के पास इस तरीके का सड़कों का हालत है। तो आपको दिखाते हैं, ये सरकारी बस है और ये गुजर रही है यहाँ से, और आप देखना किस लेवल की यहाँ पे पाउडर का सामना करना पड़ेगा लोगों को, जिसको पाउडर कहते हैं। और ये देखिए, ये पूरी की पूरी धूल आप देख सकते हैं। और ये पीछे अब तो आप देखिए बिल्कुल ही सर्दियों वाला मौसम हो गया, धुंध वाला जैसे कहते हैं ना। और ये हालत है यहाँ पर, ये इन हालातों में यहाँ के दुकानदार और यहाँ के लोग अपना जीवन जी रहे हैं पिछले 6 महीनों से। वहीं सड़क किनारे बने नालियों का भी हालत खस्ता दिखी, और कई महीनों से ऐसा लगा कि उनकी सफाई नहीं की गई है। तो एक तरफ सड़क की समस्या है, और दूसरी तरफ हम आपको स्वच्छ भारत अभियान भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये स्वच्छ भारत अभियान के अभी कुछ दृश्य है। और ये नाली है, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें मुझे यहाँ ही से दिख रहे हैं छोटे छोटे कीड़े जो हैं जिस तरीके से, और गर्मियों का मौसम है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये पूरी जो नाली है, मुझे बताया गया है कि अणु में यही हालात हैं। स्थानीय दुकानदारों की माने तो जब शिकायत की जाती है तो विभागीय अधिकारी काम करने के बजाय काम ना होने का आरोप दूसरे विभाग के ऊपर मढ़ देते हैं। नाली में जो ये गंद जमा हो गया, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ से गुजरते हुए मुंह नाक ढाक के निकलना पड़ता है। क्या वो ये हाईवे वाले क्या बोलते हैं, हाईवे अथॉरिटी वाले कहते हैं कि हमारे पास अभी इतनी ज़्यादा मैन पावर नहीं है कि हम सड़क के साथ साथ नालियों की भी सफाई जारी रख सकें। वो कमेटी वाले कहते हैं, कमेटी वाला का काम है, वो कहते हैं कि कमेटी एरिया पड़ता है तो यहाँ पे कमेटी वालों का काम है। और अगर कमेटी के लोग यहाँ पे सफाई करने के लिए जो आते हैं, जो यहाँ पे अपॉइंटेड है, तो उनको कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये गंदगी हम नहीं साफ़ करेंगे, ये नाली की गंदगी जो है ये NH के किनारे है तो NH वाले साफ करेंगे। चलिए, ये भी एक बहुत ही अद्भुत खेल होता है हमारे देश में। कई बार जब कुछ हादसे हो जाते हैं किसी, तो पुलिस भी ऐसा ही बोलती है कि हमारे थाने में नहीं पड़ा, तो एक एक मीटर के लिए वो हो जाता है। और कुछ ही देर पहले हमने अपनी स्कूटी खड़ी की थी, देखिए यहाँ पे, ये रिपोर्ट बनाने के लिए। और मेरी सीट पे आप देख सकते हैं किस लेवल की मिट्टी यहाँ पर है। तो ये हाल है, मैं चाहूँगा कि प्रशासन और सरकार इस ओर बहुत जल्द से जल्द ध्यान दे, और यहाँ के लोगों की हेल्थ के लिए, और जिस तरीके से हमने दिखाया कि पत्थर उड़ के शीशे तोड़ रहे हैं, तो वो किसी को लग जाए उससे पहले आप इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। और ये थी विशेष रिपोर्ट हमारी, ये अणु के चौक से, जहाँ कॉलेज के पास जो चौक है वहाँ से।
कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ मुकेश सिंह ठाकुर, पोलस्टार चैनल। इससे पहले प्रधानमंत्री जुब्बलहट्टी एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। शिमला एयरपोर्ट से पिछले 5 साल से हवाई सेवाएं नहीं है और शिमला देश में ऐसा एकमात्र राजधानी वाला शहर है जो हवाई सेवाओं से नहीं जुड़ा हुआ है। ये कार्यक्रम भारत सरकार का आधिकारिक कार्यक्रम होगा और इसमें संभवतया मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी शामिल होंगे। वहीं भाजपा ने पीएम की रिज पर होने वाली रैली के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र से लोगों को इस रैली के लिए लाया जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बताया कि पीएम का कार्यक्रम फाइनल हो गया है। रिज पर रैली से कांग्रेस मुक्त हिमाचल का अभियान शुरू होगा। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश परिषद की बैठकों का शेड्यूल भी बदला जा रहा है। ये बैठकें अब 25 और 26 को कर ली जाएंगी और 27 को पूरा दिन रैली के लिए रखा गया है। भाजपा की पूरी प्रदेश परिषद इस रैली में शामिल होगी। प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने भी जारी प्रेस बयान में कहा है कि 2017 को रिज मैदान में होने वाली पार्टी की रैली ऐतिहासिक होगी और मोदी के दूसरे घर हिमाचल प्रदेश में उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। पार्टी ने कहा है कि शिमला शहर को दुल्हन की तरह सजाया और संवारा जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार शिमला आ रहे हैं, इसलिए उनकी हिमाचल की स्मृतियां पुनः उनके जहन में आएंगी और उनके आगमन से पार्टी को बहुत लाभ मिलेगा और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रदेश सरकार इन दिनों विशेष प्रचार अभियान चलाए हुए है। विशेष प्रचार अभियान के अंतर्गत प्रदेश सरकार की 4.5 वर्ष की विकासात्मक उपलब्धियों, कार्यक्रमों, नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत सराकड़, सपाहल और बड़सर विधानसभा क्षेत्र की मणि और सकरो पंचायत में गीत संगीत और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कलाकारों ने गीत संगीत और नुक्कड़ नाटकों से जहां लोगों का भरपूर मनोरंजन किया, वहीं उन्हें प्रदेश सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। आइए आपको भी सुनाते हैं कि किस तरीके से गाने के माध्यम से लोगों को सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना, कौशल विकास भत्ता योजना और अंतरजातीय विवाह योजना की जानकारी दी। सर्व कल्याणकारी संस्था द्वारा कलंजड़ी माता मंदिर में महिला मंडल सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के चेयरमैन और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने की। इस मौके पर सराकड़ पंचायत से 10 महिला मंडलों को 12-12 लीटर के प्रेशर कुकर देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राजेंद्र राणा ने कहा कि संस्था के नाम से वे यहां राजनीति नहीं करने आए हैं, उनका एक ही मकसद है कि वे समाज की सेवा करें। उन्होंने कहा कि जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है और वे किसी को भी अपना नेता बना सकती है, चाहे जनता उन्हें वोट दे या ना दे, पर वे बिना भेदभाव के समाज सेवा करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर्व कल्याणकारी संस्था सभी महिला मंडलों को सम्मानित कर रही है और इससे पहले भी संस्था ने 5 दफा महिला मंडल सम्मानित किए हैं। सबसे पहले हमने स्टील के ग्लास दिए, उसके बाद दरियां दी, उसके बाद गैस की भट्टियाँ दी, फिर चाय की 15-15 लीटर की कैटल्स दी
और उसके बाद चटाइयाँ दी, उसके बाद अब 12-12 लीटर के प्रेशर कुकर दिए जा रहे हैं। महिला मंडलों को इसलिए सम्मानित किया जाता है ताकि महिला मंडलों में जो है वो उनको सशक्त किया जाए, महिला मंडलों में समाज सेवा की भावना पैदा हो, वो गांव के लिए कुछ ना कुछ करें, क्योंकि ये जरूरत का जो सामान है वो महिला मंडलों इकट्ठे करती हैं, कुछ अपने पैसे इकट्ठे करके जो हैं वो महिलाएँ खरीदती हैं, और जब भी गाँव में कोई फंक्शन होता है तो गाँव के वो चीज़ें काम आती हैं। तो इसलिए पिछले लगभग 15 वर्षों से हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, और उसी कड़ी में छठी दफ़ा हमने महिला मंडलों को फिर से सम्मानित करना शुरू किया है। परसों 18 तारीख को दाड़ला ग्राम पंचायत जो कि सुजैनपुर के साथ लगती है हनुमान मंदिर से हमने शुरुआत की थी, और आज ये दूसरा कार्यक्रम है जो कि सरागढ़ ग्राम पंचायत के महिला मंडलों को सम्मानित किया जा रहा है। संस्था पिछले 16 वर्षों से काम कर रही है और हर क्षेत्र में काम कर रही है। 30 मेडिकल कैंप लगाए गए, 5600 लड़कियों की शादियों में योगदान दिया गया, पूर्व सैनिक सम्मानित हुए, सैनिक परिवार सम्मानित हुए, मेरिटोरियस बच्चे सम्मानित हुए, समाज की सेवा करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया, और उसी कड़ी में एक कार्यक्रम जो है चल रहा है। आगे कहाँ कहाँ ये कार्यक्रम होंगे, मतलब आपका एरिया पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर करने का है? पहले हम सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के सभी पंचायतों के महिला मंडलों को सम्मानित कर रहे हैं, उसके अलावा भी बाकी भी जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां महिला मंडलों को सम्मानित करने का हमारी योजना है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा नेता उनकी इस समाज सेवा को ढोंग समझते हैं, तो वे ऐसा ढोंग करते रहेंगे। सर्व कल्याणकारी संस्था अगर ढोंग रच रही है तो 16 सालों से ढोंग रच रही है, और अगर महिला मंडलों को सम्मानित करना कोई गुनाह है, कोई पाप है, और गरीब लोगों की मदद करना कोई गुनाह है, और गरीब बच्चियों की शादियों में योगदान देना कोई गुनाह है, मेडिकल कैंप लगाना कोई गुनाह है, तो ये ढोंग है तो हम ढोंग तो करेंगे। हमें अच्छा लगता है ऐसा ढोंग करना, और उस ऐसे ढोंग से जिस ढोंग से गरीब आदमी की मदद हो रही हो, जैसे से डॉक्टरों को यहाँ पर लाया जा रहा है जिनकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए अपॉइंटमेंट मिलती है तो 6-6 महीने की वेटिंग करना पड़ती है, फ्री दवाइयाँ दी जा रही हैं, फ्री एक्सरे किए जा रहे हैं, फ्री चेकअप किया जा रहा है, महिला मंडलों को सशक्त किया जा रहा है, अगर ये ढोंग है तो मुझे लगता है, अगर ये पाप है तो पुण्य कौन सा होता है वो बता दें, हम उसको भी कर देंगे। गौरतलब है कि सर्व कल्याणकारी संस्था ने सराकड़ पंचायत में छठी बार महिला मंडलों को सम्मानित किया, और समाज सेवा के क्षेत्र में संस्था और भी कई कार्यों में अपना नाम कमा चुकी है। बीते दिनों सर्व कल्याणकारी संस्था के द्वारा टौणी देवी अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपना चेकअप करवाया था। स्क्रब टाइफस, डेंगू व अन्य घातक बीमारियों से लड़ने के लिए NHM अब SMS के जरिए लोगों को जागरूक करेगा। इसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन के नए निदेशक पंकज राय ने योजना तैयार की है। इससे पहले नगर निगम आयुक्त के पद पर रहते हुए भी पीलिया के बारे में लोगों को जागरूक करने का अभियान वह चला चुके हैं। निदेशक पंकज राय के अनुसार पहले चरण में करीब 12 लाख लोगों को यह SMS भेजा जाएगा। इसमें इन बीमारियों से बचने के लिए जरूरी टिप्स दिए जाएंगे। इस अभियान के तहत उन क्षेत्रों पर अधिक फोकस रहेगा जहां पर इन रोगों से अधिक लोग प्रभावित होते हैं। हालांकि अभी तक प्रदेश के बड़े अस्पतालों में स्क्रब अथवा डेंगू जैसे रोगों के टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं पाई गई है, लेकिन गर्मियों में अक्सर हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में स्क्रब व मैदानी क्षेत्रों में डेंगू की चपेट में सैकड़ों लोग आते हैं और कईयों की जान भी इस कारण चली जाती है। पिछले साल भी स्क्रब के कारण प्रदेश में लोगों की जान चली गई थी। बद्दी परवाणु से कुछ मामले डेंगू के सामने आए थे, लेकिन इस बार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने इन रोगों से निपटने के लिए पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार स्क्रब टाइफस से बचने के लिए सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। घर व आसपास के वातावरण को साफ रखें, घर व आसपास कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। स्क्रब टाइफस होने पर मरीज को तेज बुखार जिसमें 104 से 105 तक जा सकता है, जोड़ों में दर्द व कंपकपी के साथ बुखार, शरीर में ऐंठन, अकड़न या शरीर का टूटा हुआ लगना, अधिक संक्रमण में गर्दन, बाजू, कुल्हों के नीचे गिल्टियों का होना स्क्रब टाइफस के लक्षण हैं। प्रदेश के राजधानी शिमला में 18 वर्षों बाद सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। इससे पहले 1999 में 29.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था, जबकि आज 28.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं प्रदेश के ऊना जिला का तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया है।
जो कि 43.3 डिग्री सेल्सियस 2010 में रिकॉर्ड किया गया था। प्रदेश के धर्मशाला में 32.8, सुंदरनगर 37.2, सोलन 34.7, नाहन में 35.0 और कांगड़ा में 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पूरे प्रदेश में तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है और पूरा प्रदेश गर्मी की चपेट में है। शिमला और ऊना में दर्ज किया गया तापमान अभी तक का दूसरा सबसे ज्यादा तापमान है। अभी हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ एक दिन से लगातार तापमान बढ़ रहे हैं। जो आज शिमला सिटी का तापमान 28.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 5 से 6 डिग्री ज़्यादा है। और इसी तरह जो ऊना का तापमान था वो भी आज 43 डिग्री जो रिकॉर्ड किया गया। ये दोनों स्टेशनों के जो तापमान है ये सेकेंड हाइएस्ट टेम्परेचर हैं, एवर हाइएस्ट टेम्परेचर है। इससे पहले ऊना में 2010 में 43.2 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। और इसी तरह जो शिमला है, शिमला में भी जो तापमान है ये 1999 में 29.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।